नमस्कार, सलाम, जय श्री राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानिश कनेक्ट 261। जैसे कि आज थर्ड टेस्ट मैच खेला गया मोटेरा स्टेडियम में, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर 1,10,000 कैपेसिटी है। वहां पर इंग्लैंड और इंडिया का थर्ड टेस्ट मैच आगाज हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीत के जो है बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि विकेट को देखते हुए कोई भी कप्तान होता वो बैटिंग ही करता। नो डाउट कि ये जो है डे नाइट टेस्ट मैच है, बट इस पर बैटिंग ही बनती थी। बट जो खास बात है इस टेस्ट मैच की वो है ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं एंड ही बिकम द सेकंड फास्ट बॉलर आफ्टर कपिल पाजी के, जिन्होंने इंडिया की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेले। क्रेडिट जाता है ईशांत शर्मा को, बिकॉज इसका जो कैरियर है वो काफ़ी इंजरीज में भी रहा, बट ही इज़ बीन अ थ्रू परफॉर्मर, हार्ड वर्किंग गाय एंड ही कम्स एंड लव्स टू बॉल। वो आके डेक को हिट करते हैं और लंबे कद के हैं, इंजरीज रहती है और मुश्किल नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है फास्ट बॉलर्स के लिए अपने आप को मेंटेन करना, फिट रखना और फिर 100 टेस्ट खेलना। रियली बिग अचीवमेंट फॉर ईशांत शर्मा। इंग्लैंड आती है बैटिंग करने और बैटिंग करती है, स्टार्ट अच्छा करती है। ईशांत उनकी पहली विकेट लेते हैं, रोहित शर्मा का बढ़िया सा कैच सेकेंड स्लिप के अंदर, फिर पार्टनरशिप बनती है। आते बॉलिंग करने अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन दोनों एक एंड से बॉल कर रहे हैं और फिर एकदम से बाजी ऐसी पलटती है कि इंग्लैंड जो है 112 पे बंडल आउट हो जाती है। जी हाँ, लोकल बॉय अक्षर पटेल छा जाते हैं और उनका जादू चल जाता है और उनका जादू ऐसा चलता है कि इंग्लैंड के बैट्समैन उसको खेल नहीं पाते। अक्षर पटेल की जो अच्छी चीज़ ये लगी कि जो उन्होंने लेंथ पे बॉल करी और जो लाइन रखी थी, इट वॉज ज़बरदस्त। बिकॉज कि आप जब बॉल कर रहे होते हैं इन कंडीशन पे जहाँ बॉल ब्रेक हो रहा होता है, वहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है कि काफ़ी जो स्पिनर्स होते हैं कि कहते हैं क्या टांग से बॉल कर ले, ब्रेक बड़ा हो जाएगा, स्लिप लग जाएगी, बहुत मुश्किल होता है स्पिन को अपने कंट्रोल करना। लेकिन अक्षर ने बड़ी इंटेलिजेंटली, क्योंकि ये वनडे और T20 में अक्सर खेलते रहते और कंटेन बॉलिंग भी करते हैं, जगह पर करते हैं, तो उनको आइडिया है कि कहाँ बॉल गिराना है। और पिंक बॉल, जैसे मैंने कल भी कहा था कि पिंक बॉल थोड़ा स्किड ऑन करता है, इसके लिए जो आज है कुलदीप यादव को टीम में जगह नहीं बनी, मोहम्मद सिराज की जगह जसप्रीत बुमराह आ गए और कुलदीप की जगह जो है वॉशिंगटन सुंदर आ गए। तो ये अपना टीम के अंदर चेंजेस थी। लेकिन अक्षर पटेल ने जो लेंथ की बात कर रहा था मैं, वो लेंथ बड़ी अच्छी रखी, जहां बैट्समैन ना आगे जा सके ना पीछे जा सके, उन्होंने वहाँ से ही ब्रेक किया और वहाँ से इस बॉल सीधा रखा, जो अक्सर लेग बिफोर हुए, बोल्ड हुए। और ऋषभ पंत ने जो पीछे से कीपिंग करते हुए आवाज़ें लगाई, क्योंकि लोकल बॉय है, बापू केम छो, तो काफ़ी क्राउड के अंदर भी ये आवाज़ गई और क्राउड ने जो है बड़ा इसका मज़ा उठाया। और इस तरह से अक्षर पटेल ने 6 विकेटें हासिल की और अपने कैरियर का दूसरे टेस्ट मैच खेल रहे, और 6 विकेट चटकाना आसान बात नहीं है अगेंस्ट अ गुड बैटिंग लाइनअप, जहां पर जैक क्रॉली भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद सिबली हो गए, ये सारे प्लेयर जो है बहुत ओलीपॉप हो गए और उनके बैरिस्टर हो गए, ये सब बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन अक्षर पटेल ने उनको जम के टिकने नहीं दिया विकेट के ऊपर और उन्होंने अपना जादू चला दिया इंग्लिश बैट्समैन पे। रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट ली। द मेन स्कल्प वॉज जो रूट, क्योंकि वो जो रूट जिस तरह खेल रहे थे वो बहुत मैनेज कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अगर ये थोड़े रन कर जाएंगे तो ये विकेट पर सेट हो जाएंगे, और लंबे रन करने के प्लेयर तो है ही है, तो ये लंबे रन कर सकते हैं। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने अपने साइंटिफिकली दिमाग से उनको बड़ा ज़बरदस्त राउंड आर्म ऑफ स्पिन किया और पीछे वो खा गए, क्योंकि बॉल स्किड हुआ और वो मिस कर गए और वो लेग बिफोर हो गए। इस तरह इंग्लैंड की बैटिंग समाप्त हुई 112 पे और अक्षर पटेल ले गए 6 विकेट। इंडिया की बैटिंग होती है शुरू, शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों आए शुरू में स्टेडी खेले, क्योंकि जेम्स एंडरसन बड़ी अच्छी नबी तुली लाइन और लाइन के साथ अपने इन स्विंग आउट स्विंग बॉल कर रहे थे और उनको बड़ा अच्छा मैनेज किया जोफ्रा आर्चर ने जो है फिर विकेट छटकाई शुभमन गिल की और उनको आउट किया। उसके बाद जैक लीच, देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर फिंगर स्पिनर क्यों कामयाब हो रहे अर्ली पार्ट ऑफ द टेस्ट मैच ऑन द डे वन, बिकॉज बॉल स्किट कर रहा है, बॉल पैडों पे लग रहा है और बैट्समैन पीछे जाता है आगे जाता है तो वो बिल्कुल ट्रैप हो जाता है, तो वहाँ पर जैक लीच जो है 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। इंडिया जो है अभी 13 रन पीछे है, रोहित शर्मा क्रीज पे मौजूद है और उन्होंने 57 पे बैटिंग कर रहे हैं और वो बड़े रन्स करने वाले प्लेयर है। 57 कर लिए, बॉल उनको फुटबॉल की तरह नज़र आ रहा होगा आज, लेकिन कल आके वापस से आई साइड करनी है और वो एक बड़ा स्कोर कर सकते हैं, वो 200 पे जा सकते हैं। मेरी ये पिटिशन है रोहित शर्मा इस विकेट के ऊपर इस कंडीशन पर 200 रन्स कर सकते हैं। उनके साथ अजिंक्य रहाणे आ गए हैं, आखिरी में आउट हुए विराट कोहली, जो जैक लीच उनको बोल्ड कर गए। सो इंडिया इन अ ग्रिप, इन अ वेरी गुड ग्रिप, क्योंकि सिर्फ 13 रन पीछे और इस पर ये यूटिलाइज कर सकते हैं। बैटिंग में काफ़ी डेप्थ है, नीचे तक बैटिंग जाती है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करें और जो है इंग्लैंड को जो है प्रेशर में डालें और सेकेंड इनिंग में वापस जिस तरह बॉलिंग की है पहली इनिंग में उसी तरह से बॉलिंग करके इंग्लैंड को आउट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। बाय फॉर नाउ।